री गुड इवनिंग आई होप यूर ऑल आर डूइंग वेल हम लोगों को आज अपना ह्यूमन जो साइक्यूलटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म करना है ठीक है तो फटाफट से यार आ जाओ उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ अन अकेडमी लाइट के बारे में तो अन अकेडमी लाइट में आप लोग के टेस्ट सीरीज़ प्लस क्वेश्चन बैंक दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगे अगर आप नी 2022 देने वाले हो तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ लो जो कि आपके पास जिसके अंदर बीस टेस्ट रहेंगे छः महीने वाली जो कि आपके पास अट्ठाईस के आसपास की आपको पड़ेगी और अगर आप नी ट्वेंटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आपको टेस्ट सीरीज लेनी है वो आपको लेनी है 18 मंथ्स वाली जो आपको uh, 4500 के आसपास की पड़ेगी राइट तो इसके अंदर 32 टेस्ट टोटल आप लोग के रहेंगे सो so, बिल्कुल अच्छे से आप लोग को चेक करते हुए चलना है टेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी वहां पर होते ही हैं साथ में हम लोगों का अपना बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है फाइनली राइट राइट फेब से हम लोगों का बैच जो है अब स्टार्ट होने वाला है अपना सारा का सारा सिलेबस हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे पूरा का पूरा प्लस का बैच यहाँ पर लॉन्च होगा तो आप लोग को प्लस का सब्सक्रिप्शन उसके लिए लेना पड़ेगा तो जो काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं

नेक्स्ट अपने पास अन अकेडमिक प्रोडेजी के बारे में सबको पता ही होगा थर्टीन आने वाली है पूरा का पूरा दस बजे आ, टेस्ट हम लोग का होगा अन अकेडमिक प्रोडेजी का तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर अन अकेडमिक प्रोडेजी में एनरोल करना आ, बीस लाख से ज़्यादा अर्न करने के चांसेस आपके पास है जीतने के चांसेस है वही अगर आपको एनरोल करना है ये टेस्ट तो बिल्कुल फ्री होगा ठीक है तो अगर आपको फ्री में एनरोल करना है तो उसके लिए भी आपसे कोड मांगा जाएगा अन अकेडमी के ऊपर जहाँ पर भी कोड डाला जाए तो ये कोड आप लोग डाल सकते हो राइट तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइजेस हम लोग को इसके के अंदर मिलते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें प्लस का बैच अपना लॉन्च हो रहा है कोई भी प्लस के बैच को मिस ना करे कोड अगर आपसे पूछा जाए सारा सिलेबस आप लोग का वहां पर करवाया जाएगा तो प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना किसी भी हालत में कोड आपसे पूछा जाए तो रक्षा कोड डाल देना राइट सो दैट्स इट अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आ, लास्ट वाला टॉपिक हम लोग का ऑलमोस्ट बचा हुआ था बाकी पूरा का पूरा सिलेबस अपना यहाँ पर सॉरी ये पूरा का पूरा चैप्टर नॉट सिलेबस आधे लोग बोलेंगे दीदी आते ही सिलेबस करवा दिया तुमने तो मतलब शुरू किया नहीं और तुम्हारे हिसाब से सिलेबस हो गया पूरा ऐसे थोड़ी होता है हाँ नहीं नहीं यार सिलेबस अभी नहीं हुआ है ठीक है आज ये चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने यहाँ पर जा रहे हैं ठीक है तो ये चीज अपने पास यहां पर हो गई बैकग्राउंड नॉइस आज होगी बिकॉज शादियों का माहौल है आप सभी को पता है तो शादीवादी का माहौल है वो ही चल रहा है तो प्लीज बैकग्राउंड नॉइस के साथ ही आपको आज जीना पड़ेगा थोड़ा सा तो इस बैकग्राउंड नॉइस के साथ ही थोड़ा सा जीना सीख लीजिए राइट सो दैट्स इट करें स्टार्ट क्या हम लोग स्टार्ट करें अब प्लस कभी भी फ्री नहीं होता यार प्लस फ्री नहीं होता प्लस में थोड़ा सा पैसा लगता है हाँ यार मेरी शादी है मेरी शादी चल रही है आधे लोग बोल रहे हैं अच्छा आपकी शादी है क्या हाँ यार मेरी ही शादी है मतलब मेरी तुम लोग रोज शादियां करा दिया करो सही है तुम्हारा मतलब हर रोज तुम लोग लो मेरी नई नई शादियां करा देते हो सही है जी सही है ठीक है करें यार स्टार्ट करे स्टार्ट जोश वोश नहीं बचा बुढ़ापा आ चुका है दीदी हमारे अंदर अब बहुत हो गया मतलब कितने कितने दिन और पढ़े दस दिन तो पढ़ लिया लगातार दस दिन में तो बुढ़ापा ही जाता है दस दिन से पढ़ रहे हैं पिछले अब क्या पढ़ते ही रहे क्या 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 सोच के रखा है तुमने हमको सही बात है ना यार सही तो कह रही हूँ दस दिन से पढ़ रहे हो बताओ कम है क्या दस दिन से पढ़ाई करना करे क्या पढ़ना है क्या मतलब पढ़ाई लिखाई करने में कोई इंटरेस्ट है क्या तुम लोग का या मतलब ऐसे ही मतलब मैं धक्का कर रही हूँ नहीं है तो बता दो यार फिर भी पढ़ाऊँगी वैसे तुम्हें कोई ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास चलो ठीक है यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं आगे अपने पास हर्ट के बारे में बात करने वाले हैं अब सुनो मेरी बात यहाँ पर आ। ए एक सेकेंड यार एक सेकेंड ये नोट्स पूरे हैं ना Uh, साथ में माइंड मैप्स वगैरह जो है ना वो भी आप लोग को भेज दिए गए हैं तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखना वो माइंड मैप्स एक बार चेक कर लेना ठीक है हाँ एक पी डी एफ और बचिए यार एक पी डी एफ और बचिए मैं वही सोच रही थी कि नोट्स तो पूरे नहीं है uh, ये नोट्स पूरे नहीं है इसमें एक और पी डी एफ है वो पी डी एफ पाँच पे की है पांच पन्नों की वो भी मैं टेलीग्राम के ऊपर तुम लोग को अभी के अभी भेज देती हूँ तो वो पी डी एफ भी तुम लोग उठा लेना चलो ठीक है भेज दी तुम लोग को अब देखो फटाफट जो हम लोगों का हर्ट होता है <coughs> दीदी हर्ट तो हमें बहुत होता है क्या ही बताएं तुमको अबे ओ मजनूओ इधर आ जाओ पढ़ाई पे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ आई एस वाई एस बनो यार फिर थोड़ा सा मेरी भी मदद कर देना कहीं मुझे जरूरत हो तो ठीक है पढ़ाई तुमको इसलिए नहीं होता कि तुम लोग थोड़ा सा आई एस वाई एस बन सको ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अपन हर्ट के बारे में यहाँ पे तो हर्ट हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है ये है हमारा हर्ट कोई मेरे हर्ट का मजाक नहीं उड़ाएगा मेरे हर्ट का मजाक उड़ाया है तो मुझे हर्ट हो जाएगा राइट तो अपने पास हर्ट के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है हर्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है कार्डियक

हैं जबकि एट्रिया की जो हम लोग के पास होती हैं हैं वो कैसी होती होती थिन अपने पास यहां पर हैं तो हार्ट किससे मिलकर बना होता है कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है और इसमें जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो एट्रिया की वॉल के कंपेरिजन में ज्यादा थिक अपने पास यहां पर होती है अब हर्ट बीट करता है कितनी बार बीट करता है एक मिनट में सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव टाइम्स हमारा जो दिल है वो धड़कता है और दिल को धड़कने दो ठीक है तो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव टाइम्स धड़कता है अगर एवरेज हम लोग मान के चले तो आप मान तो से मतलब लो सेवेंटी टू के आसपास तो सेवेंटी से लेके सेवेंटी फाइव टाइम्स मतलब सेवेंटी टू अगर एवरेज हम लोग मान के चले तो इतने टाइम पर हम लोगों का दिल क्या करता है इतने टाइम तक हम लोगों का दिल वहां पर धड़कता है right, तो अपने पास किससे मिलकर मिलकर बना होता है? कार्डियक से मिलकर बना होता होता है? है। से से इसके अंदर जो वेंट्रिकल की होती है, वो से क्या होती होती हम लोगों के पास थिक होती है। 70 to 75 times अपने पास अपने यहां पर धड़कता है। क्या इतना हम सभी लोगों को समझ में आ गया? अंजी, समझ में में आ आ गया? अब अपने पास यहां पर क्या हो गया? स्पेशल कार्डियक मस्क्यूलेचर अपने पास यहां पर होता है जिसको हम क्या कहते हैं नोडल टिश्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नोडल टिश्यू अपने पास यहां पर बोलते हैं तो नोडल टिश्यू अपने पास यहां पर क्या होगा एक स्पेशल कार्डियक मस्क्यूलेचर होता है किसके अंदर हर्ट के अंदर हम लोग के पास यहां पर होता है अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये देखते जाओ अपने पास क्या हो गया क्या है ये नोडल टिश्यू हमको तो समझ ही नहीं आ रहा यहां से स्टार्ट करेंगे अपर राइट एट्रियम ये किधर था राइट एट्रियम था ये क्या था लेफ्ट एट्रियम तो अपना जो राइट एट्रियम होता है उसके ऊपर वाले पोर्शन में यहां पर पता है क्या होता है यहां पर होता है एक एस ए नोड जो अपना राइट right एट्रियम है उसके ऊपर वाले पोर्शन में यहां पर हम लोगों के पास होगा एस ए नोड जिसे हम क्या कहते हैं पेस मेकर ये क्या करेगा पेस अपने पास यहां पर बनाएगा पेस अगर हम लोग के पास बनाएगा तो यहां से चीजें अपनी स्टार्ट होंगी सो दिस इज टर्म्ड एज वॉट दिस इज टर्म्ड एज पेस मेकर दूसरा अपने पास यहां पर क्या हो गया फिर जैसे ही यहां पे अपने राइट एट्रियम में आप जरा सा नीचे आओगे वो क्या हो कहलाता है ये क्या था एस ए नोड फिर हम लोगों के पास आता है एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड अपने पास यहां पर हो गया उसके बाद अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड अपने पास कहां में से पास करेगा और पास करने के बाद कुछ लेफ्ट बंडल में चला जाता है कुछ राइट right बंडल अपने पास दो बंडल्स यहाँ पर बट जाते हैं लेफ्ट बंडल और राइट right बंडल जिसे हम क्या कहते हैं एवी बंडल अपने पास यहाँ पर कहते हैं एट्रिया एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स डन तो हम लोग इसको क्या कहते हैं एट्रियोट्रिकुलर बंडल्स अपने पास यहां पर कहते हैं तो अपने पास यहां पर क्या क्या चीजें हो गई सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या था ये हम लोगों का अगर हर्ट था तो इस हर्ट के अंदर क्या क्या अपने पास यहां पर होगा सबसे पहले यहां पर क्या है एस ए नोड उसके बाद यहां पर क्या है एवी नोड फिर हम लोग के पास क्या हो गया बंडल ऑफ हिज अपने पास यहाँ पर हो गया हो गया कि like uh नहीं हो गया और फाइनली अपने पास यहाँ पर क्या होते हैं फाइनली क्या होते हैं बंडल ऑफ हिज एंड फाइनली सो रहे हो क्या तुम लोग सबसे पहले एस ए नोड जितना अपना जो हर्ट होता है कितनी बार बीट करता है सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव टाइम्स हम लोग के पास यहां पर बीट करता है सेवेंटी टू टाइम्स एवरेज एस ए नोड भी एग्जैक्टली exactly उतनी ही बार कर रहा होता है इसीलिए एस ए नोड और अपना जो हर्ट का वो है वो मैच कर रहा है तो इसीलिए ये क्या है ये हम लोग के पास स्पेस कर ये हम लोग के पास क्या है पेसमेकर फिर अपना एवी नोड फिर क्या होता है मान लो क्या हुआ सबसे पहले इस पे सिग्नल इसने सिग्नल जनरेट किया ये सिग्नल गया रे गया रे गया रे एवी नोड के पास हाई एवी नोड एवी नोड थोड़ा सा अपना कम होता है वो भेजेगा बंडल ऑफ हिज के पास एंड फाइनली अपने इस तरीके से फाइबर्स फैल जाएंगे पूरे के पूरे जिसको क्या कहेंगे पर किंजे फाइबर्स

हम लोग के पास है नंबर थ्री अपने पास यहां पर क्या होगा नंबर थ्री हम लोग के पास यहां पर है बंडल ऑफ हिज नंबर थ्री अपने पास क्या हो गया बंडल ऑफ हिज एंड फाइनली नंबर फोर्थ अपने पास यहां पर क्या होगा पर किबर्स हम लोग के पास यहाँ पर होंगे तो क्या ये चार की चार चीजें हम लोग को यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई क्या इतना हमको याद हो गया और जो एस ए नोट अपने पास यहाँ पर होता है जो हमारा हर्ट होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है ऑटो एक्साइटेबल का मतलब ऑटोमेटिकली एक्साइट हो जाता है हाँ दीदी हमारा दिल तो एकदम ऑटोमेटिकली एक्साइट होता ही रहता है क्या

मैं ही क्या बताऊं तुमको मेरा ही होता रहता है ठीक है तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के दीदी दोस्तों के स्टिमुलस की भी जरूरत नहीं है हमारा तो बस एक्शन पोटेंशियल ऐसा जनरेट होता है क्या ही बताएं तुमको एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ऑटो एक्साइटेबल हम लोगों का हर्ट यहां पर होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट हर्ट की रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता होता है हर्ट कितना बीट कर रहा है कितना बीट नहीं कर रहा होता है उन सब चीजों के लिए ये यहां पर होता है क्या इतना हम सभी लोगों को डन क्या यहां तक चीजें हम लोग तो सबसे पहली बात अपने पास यहां पर क्या हो गई हर्ट के अंदर ये पुरा का पूरा पन्ना फटाफट से रिवाइज करते हैं हर्ट कार्डियक वर्ड यूज किया जाता है तो कार्डियक है तो कार्डियक मसल होंगी वेंट्रिकल थिक होंगे इन कंपेरिजन टू एट्रिया के वॉल्स से टू सेवेंटी बोलू तो टाइम्स इसके अंदर क्या क्या चीजें अपने पास होंगी यहां से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एस ए नोड एवी नोड बंडल ऑफ ऑफिस एंड फाइनली परकिंजे फाइबर्स ये चार चीजें हम लोग के पास होंगी एंड फाइनल पॉइंट इज ये ऑटो एक्साइटेबल होता है मतलब किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती एक्शन पोटेंशियल को जेनरेट करवाने के लिए जो अपनी रिदमिक और कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी जो हर्ट की है उसको मेंटेन कर सके तो क्या इतनी चीज हम सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गई या नहीं हो गई फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो यार तुम लोग के अंदर जोश तो मतलब है ही नहीं एकदम जोश नहीं है खत्म हो चुके हो मतलब जो मर जा मर जाते ना इंसान उनके अंदर जोश नहीं होता आधे लोग तो अपने हट पे ही सोचते रह जाते हैं आधे लोग आठ बजते हैं दीदी बस अब जाना है दीदी दस बजने का टाइम हो गया दस बजे का टाइम दे रखा है मैंने उसको दस बजे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं दीदी अजाओ hey, रे कैसे लोग हो रे कार्डियक साइकिल के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब अपने पास एक बार एक मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है बेहतर बार तो दीदी दी अब समझ लो अब तुम कहते हो कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो जब एक बार में दिल बेहतर बार धड़क रहा है हम तो बेहतर लड़कियों के आगे पीछे तो घूमते भी नहीं फिर भी फिर भी हम तो शरीफ ही निकले बहुत शरीफ हो यार तुम लोग मतलब सही बात है तुम लोग मतलब बेहतर बार धड़कता है दिल और फिर भी मतलब सीधे हो तुम लोग एक बार ठीक है तो अपने पास यहां पर क्या हो गया एक साइकिल मतलब अगर एक मिनट में बेहतर बार धड़कता है मतलब साठ सेकंड में तुम्हारा दिल धड़कता है बेहतर बार तो एक सेकंड में कैलकुलेशन कर लो यार सॉरी उल्टा कर दिया मैंने सेवेंटी टाइम्स साठ सेकेंड में तो वन टाइम सिक्सटी बाय मतलब पॉइंट मतलब एक सेकंड में तुम्हारा जो साइकिल है सॉरी एक जो साइकिल तुम लोगों का है वो पॉइंट एट सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है एक साइकिल हम लोगों का पॉइंट एट सेकेंड में कंप्लीट होता है तो एक मिनट में कितने साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं सेवेंटी टू अब ये एक साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दो कर देते हैं यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपने पास होती हैं एक हम लोग के पास होता है सिस्टोलिक दूसरा अपने पास होता है डायस्टोलिक क्या क्या चीजें होती हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इसके अंदर सिस्टोल डायस्टोल दो चीजें अपने पास यहां पर होंगी ठीक है अब सुनो मेरी बात इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग को पूरे के पूरे आ, आ, कार्डियक साइकिल को तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी अपने पास यहां पर क्या हो गया देखते जाओ फटाफट सबसे पहली बात हम क्या पढ़े थे अपने घर में कोई नहीं था हम पढ़े थे एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में कोई जिंदगी में टेंशन नहीं सब अपना पैर पसार के हम लोग बैठे हुए हैं ठीक है हम सारे के सारे क्या पड़े हुए हैं एकदम पैर पसार के बैठे हुए हैं चलो ठीक है जी बहुत अच्छी बात हो गई अब क्या हुआ अपने पास यहाँ पे सारे के सारे ऑल फोर चैम्बर्स एकदम रिलैक्स स्टेट में पड़े हुए हैं मतलब सबसे पहले कैसी कंडीशन में पड़े हुए हैं डायास्टॉल की कंडीशन में पड़े हुए हैं डायस्टॉल की कंडीशन में पड़े हैं चलो ठीक है जी अब सबसे पहली बात ये अपने पास क्या थे ये हर्ट के चार चैम्बर्स थे जो कि सबसे पहले क्या होते हैं एकदम रिलैक्स स्टेट में पड़े होते हैं मतलब डायस्टॉल के स्टेट में पड़े होते हैं अब क्या हुआ अब सबसे पहली बात अपने पास यहाँ पे सार एक तो क्या क्या हो गई हम लोग के पास जो बाय है और ये ट्रैक है ये हम लोगों के पास क्या हुई ये अपने पास यहाँ पे सबसे पहले ओपन हो गई सबसे पहले हम लोग के पास बाइक और डाइक ओपन हो गई चलो ठीक है जी हम लोग के पास यहाँ पर बाइक और ड्रैक यार ध्यान तुम लोग का इधर ही है ना चैप्टर खत्म होने वाला है कुछ लोग पूछ रहे हैं ऑरिकल्स क्या होता है मतलब रामायण खत्म हो गई तुम पूछ रहे हो सीता किसका बाप था जब लोगों ठीक है देखो अपने पास क्या हुआ सबसे पहले मैंने क्या बोला सबसे पहले तुम्हारे औस पड़ोस में बहुत अच्छी कहानी के फॉर्म में बताऊंगी तुम्हारे कोई नहीं आया हुआ था तुम्हारे घर में कोई गेस्ट नहीं आया था तुम एकदम रिलैक्स स्टेट में पड़े हुए थे डायस्टॉल की स्टेट में तुम लोग पड़े हुए एकदम पैर फैला के पसरा के तुम लोग बैठे हुए मैंने कहा वाह भाई सही है तुम पसरा के बैठे हो हाँ हम तो एकदम पसरा के बैठे हैं अब क्या हुआ अब सबसे पहले यहां पे जो तुम्हारा एस ए नोट था उसने बोला अबे ओ गेस्ट आ रहे हैं खड़ा हो है तो सबसे पहले ऐसे नोड क्या करेगा एक्शन पोटेंशियल वहां पर जेनरेट करेगा अब सबसे पहले मम्मी इस वाले कमरे में आई मम्मी ने मारे दो चमाट एक्शन पोटेंशियल क्या है एक्शन आया मम्मी की तरफ से मम्मी ने दो चमाट मारे तो दोनों एट्रिया क्या हो जाएंगे सिस्टॉलिक कंडीशन में आ जाएंगे तो सबसे पहले अपने पास जैसे ही एस ए नोड हम लोगों के पास सिग्नल भेजेगा तो जहां पे मम्मी अभी जिन कमरों में बैठी हुई है वहां के लोग थरथरा जाएंगे मतलब अभी एट्रिया किसके अंदर आ गया अभी एट्रिया हम लोगों के पास सिस्टॉलिक कंडीशन में आ गया

हुआ अपने पास वहां से सबसे पहली बात जैसे ही मम्मा वहां पर हड़बड़ी कर रही थी तो एट्रियासटॉलिक कंडीशन में आ गया था अब जैसे ही मम्मा आगे गई 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 जाते 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 अपने पास वो कहां पर पहुंची बंडल ऑफिस के पास पहुंची अब वेंट्रिकल्स अपने कापू उठे क्यों क्योंकि मां वहां पहुंच चुकी है अरे फटाफट हटो यहां से ठीक है तो अब क्या होगा वेंट्रिकल्स अपने कंडीशन में आ चुके होंगे वेंट्रिकल्स कंडीशन में आ चुके होंगे पूरे के पूरे इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलचर तक चीजें पहुंच चुकी होंगी मसल्स तक पहुंच चुकी होंगी तो अपना वेंट्रिकल किस में आ जाएगा अपने पास वेंट्रिकुलर सिस्टॉल में आ जाएगा और इतने मम्मा इस कमरे में गई हुई है ये दोनों के दोनों क्या सोचे

अपने पास यहां पर आ जाएगी डैश कंडीशन आ जाएगी तुम रिलैक्स हो जाओगे साथ में क्या करोगे कहीं मम्मी वापस ना आ जाए इन दोनों के दोनों गेटों को ये यह जो यहां पर ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड वॉल्व थी इन दोनों की दोनों walls को क्या कर दोगे बंद कर दोगे अब जैसे ही तुमने ये दोनों गेट बंद कर दिए अब तो मम्मी इन कमरों में बैठी हुई है मम्मी 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 वापस वापस आ आ नहीं सकती। उपर, तो आ नहीं सकती सकती अब इन्हीं के ऊपर क्या करेगी इन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाएगी जैसे ही तुमने वॉल्व बंद करी वेंट्रिकल्स के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ गया प्रेशर बढ़ गया तो वेंट्रिकल्स क्या कहेंगे कोई नहीं मम्मी उसने गेट बंद कर दिया मम्मी एक काम कर ये वाले गेट से चले जा मतलब सेमी ल्यूनर वॉल्स को तुम लोगों क्या कर दोगे ओपन कर दोगे अपने पास सेमी ल्यूनर वॉल क्या हो गई ओपन हो गई अब सेमी ल्यूनर वॉल ओपन हो गई तो मम्मी क्या करेगी यहाँ से चली जाएगी और अब तुम भी क्या कर जाओगे तुम भी यहाँ पर रिलैक्स कर जाओगे मतलब अपने वेंट्रिकल जो है रिलैक्स कर गए वेंट्रिकल भी डायस्टॉल में अपने पास आ गए अब जैसे ही मम्मी बाहर निकलेगी तो वैसे ही तुम क्या कर दोगे अपनी वॉल को भी क्लोज कर दोगे जैसे इन्होंने किया था तो ऐसे ही वॉल क्या हो जाएगी अपने पास क्लोज हो जाएगी प्रेशर जो है वो तुम लोगों का डिक्रीज कर जाएगा प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा इतने में मम्मी यहां से निकल के वापस से एट्रिया पे पहुंच चुकी है एट्रिया पे प्रेशर बनाना वापस शुरू कर चुकी है अब एट्रिया पे वापस प्रेशर बनाते बनाते वापस से इन वॉल को खोल के वापस से तुम्हारे पास आएगी और मम्मी क्या करती रहेगी इसी तरीके से सर्कल बनाती रहेगी बनाती रहेगी बनाती रहेगी आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्या हो गया यार अरे मेरे डायग्राम का को कोई मजाक नहीं उड़ाएगा डायग्राम ऐसे छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू लोगों को समझ नहीं आता हमारे डायग्राम आर्टिस्ट लोग समझ सकते हैं बस इस डायग्राम को ठीक है इसके लिए बहुत गहरा चिंतन करना पड़ता है हिमालय पे जाना पड़ता है चार पांच साल तब जाके मतलब समझ में आ पाता है ये? आ जाते हैं मतलब मुंह उठा के डायग्राम तुम्हारा अच्छा नहीं है डायग्राम हमारा क्या बताऊं तुमको ठीक है सुनते जाओ अब वापस से देखो फटाफट से क्या क्या चीजें होंगी अपने पास यहां पे सबसे पहले देखो सबसे पहले ये चार वॉल्व हम लोग के पास होती हैं अब मैं करवा रही हूं फाइनली रिवाइज और तुमको ऐसा कार्डियक साइकिल होगा याद जैसा तुमको जिंदगी में कभी याद नहीं हुआ होगा हुआ होगा पर

भाई बैठा है वेंट्रिकल में तुमने घर के सारे दरवाजे खोल रखे हैं ये दोनों नहीं खुले हुए हैं मैंने क्या कहा घर के अंदर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं मतलब जब तुम डायस्टॉलिक कंडीशन में हो उस टाइम पे बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड अभी तुम लोग का ओपन है ठीक है अभी तुमने घर के अंदर के सारे दरवाजे खोल रखे हैं। क्या हुआ अब आई मम्मी फटाफट से कहीं बाहर गई हुई थी मम्मी तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया उड़ी बाबा अब क्या होगा अब मम्मी आगे जाती जाएगी एवी नोड बंडल ऑफिस और जाकर पहुंचेगी तुम्हारे भाई वाले कमरे में अब क्या होगा अब तुम्हारा भाई में आ जाएगा सिस्टोलिक कंडीशन में आ जाएगा लेकिन जब तुम्हारा कंडीशन में है। उस टाइम तक तुम्हारी तुम्हारे कमरे से जा चुकी है तो तुम किस कंडीशन में आ जाओगे डायस्टोलिक कंडीशन में आ जाओगे और क्या करोगे तुम लोग अपनी बाइक स्पीड और ट्रैक स्पीड को क्लोज कर दोगे ताकि मम्मी कहीं वापस तुम्हारे कमरे में ना आ जाए अब क्या होगा अब वेंट्रिकल बोलेगा कि मेरे अंदर तो प्रेशर बढ़ गया उड़ी बाबा ये तो बाइक स्पीड ट्राइक स्पीड बंद हो गई अब मेरे अंदर प्रेशर बढ़ गया एक काम करता हूं मैं बाहर के बिल्कुल बाहर के दरवाजे खोल देता हूं सबसे बाहर के दरवाजे कौन से हो गए सेमी ल्यूनर हो गए मतलब उसने क्या कहा मैं सेमी ल्यूनर वॉल्स को क्या कर देता हूं ओपन कर देता हूं तो उसने सेमी ल्यूनर वॉल को क्या कर दिया ओपन कर दिया तो अब मम्मा क्या हो गई बाहर चली गई अब अब ये क्या कहेगा अब ये भी रिलैक्स कंडीशन में आ गया गया डायस्टॉलिक कंडीशन में आ गया और ये भी बिल्कुल दरवाजे को बंद कर देगा अब क्या हुआ अब मम्मी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया तो तुम सारे के सारे क्या हो गए अब वापस से रिलैक्स हो गए वापस से डायस्टॉलिक कंडीशन में आ गए लेकिन मम्मी फिर आएगी फिर ऐसे नोड पर मम्मी आएगी फिर यही साइकिल तुम लोगों का रिपीट होगा फिर तुम सिस्टॉलिक कंडीशन में आओगे फिर तुम फंसोगे एंड वन मोर लाइन विच आई वॉन्ट टू एड हेयर बट जॉइंट कर सकते हो लेकिन दोनों के दोनों एक साथ स्ट्रेस में नहीं हो गए जब एक भाई को डांट पड़ती है तो दूसरा हसरा होता है दूसरे को डांट पड़ती है तो वो वाला हसरा होता है ठीक है तो जॉइंट स्टॉल पॉसिबल नहीं होता है बट ज्वाइंट डायस्टॉल यहाँ पर पॉसिबल होता है कार्डिय साइकिल मैंने आप लोग को समझा दिया हा मुझे नहीं पता आप तुम लोगों को कितना समझ में आया किसको हंसी आ रही है किस लिए हंसी आ रही है लेकिन मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है यार एंड दैट्स 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 इट ऑल आई कैन डू फॉर यू ठीक है इतना ही मुझे आता है इतना मैंने समझाने की कोशिश करी आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा और इसके बाद कभी भी आप आज के बाद कार्डिक साइकिल नहीं भूलोगे मेरी हालत निकल चुकी है खराब हो चुकी है ठीक है चलो ओके फाइन फाइनली अपने पास एक टर्म यूज होती है स्ट्रॉक वॉल्यूम स्ट्रॉक वॉल्यूम का मतलब एक स्ट्रॉक में कितनी वॉल्यूम निकली स्ट्रॉक का मतलब क्या हुआ कार्डियक साइकिल में हम लोगों का जो कार्डियक साइकिल में ब्लड पंप होता है एक स्ट्रॉक में वो कितना निकला उसकी वॉल्यूम को क्या कहेंगे स्ट्रॉक वॉल्यूम तो ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल वो कितना होता है सेवेंटी एम हम लोग के पास होता है कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हुआ कार्डियक दिल और आउटपुट मतलब कितना आउटपुट मिलता है तो दिल से कितना आउटपुट मिलता है तो एक स्ट्रोक में कितना मिलता है सेवेंटी और ऐसे ऐसे कितने स्ट्रोक होते हैं एक मिनट में सेवेंटी टू सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव टाइम्स

प्रामिनेंट साउंड सुनी जाती हैं जिनका जिन्हें हम कहते हैं लब एंड डब लब डब लब डब लब डब तो स्टेथोस्कोप लगा के जब आप सुन रहे होगे तो आपको दो क्लिनिकल यहां पर डायग्नोस्टिक हम लोग को आवाज सुनाई देंगी और उन्हें क्या कहते हैं लब डब और वो कब होती है वो जैसे ही तुम गेट बंद करोगे ठीक है जैसे तुमने गेट जब बंद करा था तो ये तुम्हारा गेट था तब आई थी लब जब तुम्हारे भाई ने गेट बंद करा था उस टाइम पे कौन सी साउंड आई थी डब तो गेट बंद करने पे साउंड आती है इसमें कौन सी बड़ी बात है तो दिस इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राई कस्पू एंड बाई और दिस इज ड्यू टू द क्लोजर क्लोज सेट हो गया या इसमें क्या था कुछ है ही नहीं लब और डब लब और डब साउंड कब आती है जब गेट बंद करते हो गेट बंद करने पे साउंड आती है कि नहीं आती है तो आती है सीधी सी बात है जैसे ही गेट बंद करोगे तो साउंड आएगी जब तुमने गेट बंद करा था तो लब आई थी जब तुम अरे भाई ने गेट बंद करा था डब अपने पास यहाँ पर आई थी दैट ठीक है साथ में अगर आप कभी भी गए होगे तो आपने एक ग्राफ देखा होगा ईसीजी हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम राइट right. तो so, अपने पास यहाँ पर क्या हो गया इलेक्ट्रोकार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ठीक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपको यहाँ पर देखा होगा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी हर्ट की एक्टिविटी की किस तरीके से आपका हर्ट कैसे कैसे उसका क्या क्या एक्टिविटी हर्ट के अंदर वहाँ पर हो रही है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की तो उसे क्या जाता है ई और इसको अपटेन करने के लिए ये तो ग्राफ अपने पास बन गया तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जिस मशीन की हेल्प से ये बनता है उसे क्या कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम

इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसकी हेल्प से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हेल्प से इस पन्ने को एक बार रिवाइज कर लो फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ और इस ये जो हम लोग के पास यहाँ पर होता है इसके अंदर तीन इलेक्ट्रिकल लेड्स अपने पास यहाँ पर लगाई जाती हैं अगर आपने देखा हो बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन में जब हम लोग होते हैं तो एक अपने इस हाथ पे एक इस पर लेफ्ट सॉरी जो हम लोग का लेफ्ट एंकल होता है ठीक है एक जो हम लोग का राइट right एंकल होता है पैर का ठीक है एक लेफ्ट पे और एक राइट पे तो दोनों पे अपने पास यहाँ पे लगाई जाती है और दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या होता है हम लोग के चेस्ट रीजन पे भी कई बार लगाई जाती है डिटेल अगर हम लोग को देखने हो तो आपने देखा होगा जब इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तो यहाँ पे ऐसे वो लगाए होते हैं लीड्स लगाई होती हैं पूरे के पूरे हर्ट पर तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसके इसके अंदर तो आप लोग उस पर लगाते हो लीड्स को डायरेक्टली हर्ट पर लगाते हो अगर थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम करना है तो आपका जो लेफ़्ट जो दोनों की दोनों रिस्ट रिस्ट हो गई लेफ्ट और राइट रिस्ट हो गई और जो आपका लेफ्ट एंकल हो गया तो उनके ऊपर आप लोग यहां पर लगाते हो ठीक है तो अपने पास इलेक्ट्रिकल लीड्स हम, हम लोग यहां पर लगाते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं ये ग्राफ हम लोग यहां पर बनाते हैं अगर आपने ईसी जी का करवाया होगा या आपके किसी रिलेटिव ने करवाया होगा अदरवाइज आपने मूवीज में जरूर देखा होगा हर्ट वाला तो सब लोगों ने देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो दोनों हाथों पर लगी होती है एक पैर के ऊपर लगी होती है ठीक है लेफ्ट पैर के ऊपर तो ये अपने पास यहाँ पर हो गया दोनों तरीकों से कर सकते हो बहुत ज्यादा डिटेल में करनी है तो सीधा ज्यादा चेस्ट रीजन पे लगा देते हैं अगर थोड़ा सा कम करना है तो अपने पास यहाँ पर लगा देते हैं ठीक है तो उसके बेसिस पे अपने को कुछ वेव्स यहाँ पर मिलती हैं सबसे पहले अपने पास होती है पी क्यू आर एस टी वन इज पी सेकेंड इज क्यू आर एस एंड फाइनली इज टी तो पी वेव अपने पास यहाँ पर क्या हो गई सबसे पहली बात एट्रिया ने क्या किया था एक्साइट किया था दोनों के दोनों कंट्रैक्शन हुआ था एट्रिया का सबसे पहले तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ही कमरे में आई थी ना तुम ही ने एक्साइट किया था तो उसके अंदर जो ऊपर की वेव बनती है उस वेव को क्या कहा जाता है तुम्हारे कमरे के एक्साइट करने की वजह से जो वेव बनी उसे कहा जाता है पी वेव पी वेव ठीक है उसके बाद नेक्स्ट अपने पास यहां पर क्या हो गया नेक्स्ट हम लोगों का वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन हुआ था ठीक है तो उस वाले केस में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम लोग के पास बनता है और फाइनली जब वेंट्रिकल नॉर्मल स्टेट में अपने पास आया था रिपोलराइजेशन उसकी हुई थी हम लोगों के पास तो उसे क्या कहते हैं टी वेव अपने पास यहां पर कहते हैं और यहां पर सिस्टोल का बिगनिंग होता है और यहां पर सिस्टोल का एंड अपने पास यहां पर होता है मैंने क्या बोला पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है जब तुम्हारे कमरे ने एक्साइट किया था क्यू आर एस वेव क्या रिप्रेजेंट करती है जब तुम्हारे भाई वाले कमरे ने एक्साइट करना स्टार्ट करा था एंड टी वेव क्या करती है जब तुम्हारे भाई ने सब लास्ट में रिलैक्स करना स्टार्ट करा था और उसके लास्ट में अपने पास एंड ऑफ स्टॉल यहाँ पर होता है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में गनिंग ऑफ सिस्टॉल अपने पास यहां पर होता है ठीक है तो ये चीजें अपने पास हो गई पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव्स ये चार वेव्स अपने पास यहां पर होती हैं दैट्स इट राइट right, तो ये चीज़ अपने पास यहां पर हो गई साथ में डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया मैं तुमको ऑलरेडी बता चुकी हूं डबल सर्कुलेशन के अंदर मतलब हर्ट से अगर दो बार ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा हो तो उसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है काफ़ी सारी हम लोगों की वेसल्स ब्लड आर्टरीज और वेन्स इसके अंदर इंक्लूडेड होती है और जो हम लोगों के पास यहाँ पे जितनी भी वेन्स होंगी जितनी भी आर्टरीज होंगी इनके ऊपर काफ़ी लेयर्स होती है काफ़ी कवरिंग्स होती हैं अभी ये जो अपनी वेन है आर्टरीज है इन पर लेयर्स तो होंगी ना तो तीन लेयर्स अपने पास होती है क्या एक तो एक्सटरना एक्सटरना मतलब ट्यूनिका एक्सटरना सबसे बाहर वाली मीडिया ट्यूनिका मीडिया मतलब बीच वाली एंटी ट्यूनिका इंटिमा मतलब इन इन मतलब अंदर सबसे अंदर वाली तो अपने पास सबसे बाहर वाली तो अपने को टाइट बनानी पड़ेगी तो एक्सटर्नल लेयर फाइब्रस बनानी पड़ेगी तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अपने पास यहां पर हो गया ट्यूनिका मीडिया मीडिया मतलब बीच में तो मिडल लेयर अपने पास यहां पर होगी स्मूथ मसल्स की इलेक्ट्रिक फाइबर्स की अपने पास बनी होगी और ये कंपैरेटिवली अपने पास क्या होगी कंपैरेटिवली हम लोग के पास यहां पर थिन होगी और फाइनली क्या हो गया ट्यूनिका इंटीमा ट्यूनिका इंटीमा का मतलब अपने पास क्या हो गया सबसे अंदर इनर लाइनिंग जो कि किससे बनी होती है स्क्वामस इपिथिलियम से मिलकर बनी होती है तो अपने पास क्या हो गया डबल सर्कुलेशन के अंदर ब्लड जो होता है

आर्टरीज और वेन्स के अंदर यहां पर होती है तो ब्लड वेसल से अपना ब्लड जो है वो यहां पर फ्लो करता है ये डायग्राम ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है राइट right. ये हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं और जो आर्टरीज अपने पास यहाँ पर हो गई आर्टरीज़ के अंदर आपको ल्यूमन दिख रहा होगा ल्यूमन छोटा होता है और जो वेंस अपने पास होती हैं उनके अंदर ल्यूमन जो होता है वो क्या होता है बड़ा अपने पास होता है ये डायग्राम की हेल्प से आप लोग इजीली देख के बता सकते हो तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं तो कि किसका ल्यूमन ज़्यादा होता है किसका ल्यूमन कम होता है क्योंकि डायग्राम में रिप्रेजेंट की गई है ये चीज़ ठीक है तो हो सकता है कुछ चीज़ें थियोरिटिकल ना दी गई लेकिन डायग्रामेटिकली दी जा सकती है और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने पास क्या होगा अपने पास इसको देखो ये हम लोग के पास हर्ट में कैसे ब्लड का फ्लो होता है उसको देख लेते हैं ये अपने पास यहाँ पर क्या था ये हम लोग के पास इस तरीके से अपना हर्ट था ठीक है यहाँ पर ये क्या थे ये थे हम लोग के पास लंग्स तो लंग्स से सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया था लेफ्ट एट्रियम के अंदर अपने पास आया वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही अपने पास किसके अंदर चला गया हम लोगों के बॉडी पार्ट्स में चला गया अब बॉडी पार्ट्स उस ब्लड को डी कर देंगे तो अब वो वापस कहाँ जाएगा अब वो राइट right एट्रियम में जाएगा वहाँ से राइट right वेंट्रिकल में जाएगा और ये वेंट्रिकल उसको लंग्स के पास वापस से भेज देगा कुछ इस तरीके से ब्लड का फ्लो हम लोग के पास होता है ये डी ब्लड अपने पास होगा अब इसमें नाम क्या क्या होते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो दो तरीके की सर्कुलेशन होगी एक होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है पल्मोनरी तो ऊपर वाली जो सर्कुलेशन हो रही है उसे मैं क्या कहूंगी पल्मोनरी सर्कुलेशन जो नीचे वाली सर्कुलेशन हो रही है वो बॉडी में सिस्टम में हो रही है तो इसे क्या कहूंगी सिस्टमिक सर्कुलेशन तो एक टाइम पे दो सर्कुलेशन चल, चल रही है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या हो रहा है यार सबसे पहले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आता है राइट right एट्रियम में वहां से राइट right वेंट्रिकल में राइट right

वापस से राइट एट्रियम में आया ये वाला जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन हो रहा है इस पूरे के पूरे सर्कुलेशन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला एयरटा की हेल्प से आर्टरीज में टिश्यूज में गया और वहां से डी ऑक्सीजनेटेड होके वापस वेना केवा की हेल्प से राइट एट्रियम में आया इसे क्या कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है सो so, अब मैं फाइनल डायग्राम आप लोगों का यहां पर बनाने जा रही हूं ये हम लोग के पास यहां पर क्या था राइट right एट्रियम ये क्या था राइट right वेंट्रिकल ये क्या था लेफ्ट एट्रियम ये क्या था लेफ्ट वेंट्रिकल ये अपने पास यहां पर डायग्राम हो गया सबसे पहली चीज अपने पास क्या होंगी यहां पे तो हम लोग के पास है लंग्स लंग्स के अंदर किस तरीके का लंग्स अगर है तो अपने पास इसे क्या कहा जाता है पलमनरी वर्ड यूज किया जाएगा तो पल्मनरी वेन और इसे क्या कहा जाता है जो यहां से अपने पास लंग्स तक जाएगी इसे क्या कहते हैं పల్వనరి आर्टरी आर्टरी का मतलब जो ब्लड लेकर आती है तो हालांकि ये क्या है डी है बट फिर भी ये आर्टरी है तो पलमनरी आर्टरी इज द आर्टरी जिसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड पलमनरी वेन इज द वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जबकि वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड होता था ठीक है अब अपने पास यहाँ पर ये इस तरीके से फ्लो किया और फाइनली अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा हम लोग के टिश्यूज तक बॉडी पार्ट्स तक अपने पास जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड होके वापस से राइट ए, राइट एट्रियम एट के अंदर पास आ जाएगा तो ये तो डी ऑक्सीजनेटेड हो गया और ये ऊपर वाला ऑक्सीजनेटेड पार्ट अपने पास हो गया डन इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं ये जो यहां से निकली एंड इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं वेना केवा तो ऊपर वाला जो सर्कुलेशन यहां से लेके यहां तक हो रहा है इसे क्या कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और जो यहां से लेके अपने पास यहां तक हो रहा है फाइनली यहां तक इसे क्या कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन इस डायग्राम की हेल्प से पूरा का पूरा सर्कुलेशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया क्या सभी लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई फटाफट से मुझे ये बता दो यहां तक हम सभी लोगों को चीजें समझ में आई या नहीं आई फटाफट से मुझे बता दो यार ग्रेट ये हो गया आपने पास यहां पे। डन फाइनल थोड़ा सा और बचा है एक है पोर्टल पोर्टल सिस्टम सिस्टम तो अपने पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में एक कनेक्शन होता है तो उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम ठीक है तो एक अपने पास हो गई हिपैटिक पॉर्टल वेन जो कि क्या करेगी इंटेस्टाइन से लिवर तक अपना ब्लड को कैरी करती है और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में डालती है तो मतलब सिर्फ हिपैटिक सिर्फ लिवर को कनेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है हिपैटिक वर्ड लिवर के लिए यूज किया जाता है ठीक है सो दिस इज़ स्पेशल कॉरनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स ठीक है तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया हम लोगों के पास सॉरी नॉट दिस ये हिपैटिक uh, uh, जो हम लोग के पास सिस्टम हो गया ये सिर्फ किसके लिए अपने पास होता है लिवर तक चीज़ों को लेके जाने के लिए अपने पास होता है साथ में जो ब्लड वेसल्स का एक कॉरनरी सिस्टम अपने पास होता है जो कि स्पेशली कार्डियक मसल्स के लिए होता है अब सुनो हार्ट क्या कर रहा है ब्लड को पंप कर रहा है सब काम कर रहा है लेकिन हार्ट को खुद भी तो ब्लड चाहिए अब ये हार्ट काम कर रहा है ठीक है बहुत अच्छी बात है मैं काम कर रही हूं बहुत अच्छी बात है मैं तुमको पढ़ा रही हूं बहुत अच्छी बात है लेकिन मुझे खुद भी तो पढ़ना है तो हार्ट को खुद भी तो अपने पास क्या चाहिए खुद भी तो उसको एक कॉरनरी सिस्टम चाहिए तो उसका भी एक ब्लड सप्लाई सिस्टम होता है उसका भी एक स्पेशल कॉरनरी सिस्टम होता है जो कि कार्डियक दिल की मसल्स को ब्लड सप्लाई अपने पास यहां पर करता है Done. तो दो चीजें आपके पास हो गई जो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा याद रखनी है एक तो आपको पोर्टल सिस्टम याद रखना है और दूसरा एक हार्ट की जो वेसल्स है उनका कॉरनरी सिस्टम आपको याद रखना है फाइनली अपने दिल की अपना जो दिल है वो खुद से कर लेता है चीज़ों को मायोजेनिक उसको किसी की जरूरत नहीं है मायो मायो मैं ही अपने आप कर लेता है वो खुद से कर लेता है लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब इन चैप्टर्स के अंदर जब भी जो भी चीज़ें आएंगी उसके अंदर आपको हमेशा मेडुला ऑब्लैंगेटा बोलना है तो यहाँ पर कार्डियक एक्टिविटी की रेगुलेशन कौन करेगा तो अपने पास मेडुला ऑब्लंगेटा हम लोग के पास करेगा न्यूरल सेंटर क्या करता है कार्डियक दिल को मॉडरेट कर देता है ए एन एस के हेल्प से उसके फंक्शंस को मॉडरेट कर देता है मान लो बहुत ज्यादा दिल की धड़कन बढ़ जाए वगैरह तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो इसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो ऑटो रेगुलेटेड होती हैं लेकिन साथ में हम लोग का मेडुला और ब्लेंगेटा हम लोग का न्यूरल सेंटर ये भी रोल प्ले करता है डन सो न्यूरल सिग्नल्स अपने पास यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से अपने पास हर्ट रेट को क्या करते हैं हम लोग के पास अगर इंक्रीज करते हैं ठीक है तो हार्ट रेट अगर बढ़ा दिया हार्ट रेट बढ़ा दिया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो कार्डियक आउटपुट अपने पास बढ़ जाएगा हार्ट ज्यादा जल्दी जल्दी बीट करना शुरू हो गया तो कार्डियक ज्यादा आउटपुट बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन अपने पास बढ़ गई धक 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 जैसे ही हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो धक 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 होने लग जाता है दिन तो कार्डियक आउटपुट अपने पास बढ़ जाता है क्यों क्योंकि मेरी पूरी बॉडी को ब्लड चाहिए अगर अपने पास यहाँ पे हार्ट बीट वहां कम हो गई कम हो गई तो अपने पास वहां पर क्या होगा कार्डियक आउटपुट हम लोग का घट जाएगा ठीक है तो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हम लोग के पास वहां पर घट जाता है और एड्रीनल मेड्यूलरी जो हम लोग के पास हैं वो क्या करते हैं कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं पेरिफेरल सिस्टम हार्ट बीट को स्लो अपने पास यहाँ पर कर देगा साथ में कुछ डिसऑर्डर्स अपने पास आते हैं फाइनली जिसमें सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन जिसको कहा जाता है तो हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन का मतलब क्या हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कहते हैं ना बीपी बढ़ गया बीपी कितना अपने पास नॉर्मल कितना होता है वन ट्वेंटी बाई एटी अपने पास एम एम ऑफ एच जी इतना हम लोग के पास नॉर्मल होता है अगर इससे जरा भी ऊपर नीचे जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा हम लोग के पास डिस्टर्बेंस अपने पास यहाँ पर होगी तो मान लो 140 चला गया तो उसे क्या कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं हाई बीपी हम लोग यहाँ पर कहते हैं जिसकी वजह से काफी डिजीज हो सकती है काफी वाइटल ऑर्गन्स हमारे किडनी ब्रेन अफेक्ट हो सकते हैं दैट इज हाइपर हाई बीपी लो बी पी हाइपर एंड अनदर वन इज हाइपोटेंशन कम अगर हो जाए तो हाइपोटेंशन और क्या होता है कॉरनरी आर्टरी डिजीज कॉरनरी आर्ट्री के अंदर क्या हो गया अपने पास दिक्कत यहां पर आ गई मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन मान लो हो जाए फैट का डिपोजिशन कोलेस्ट्रॉल का फाइब्रस टिश्यू का कहते हैं ना इतना घी मत खाया करो नस ब्लॉक हो जाएगी तो वो नस अपने पास यहाँ पर ब्लॉक हो गई आर्थीरोस्कलिस हम लोग के पास यहाँ पर हो गया तो अगर ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा तो आर्टरी आर्टरी का का आर्ट्रिकल्यूमन क्या होता जाएगा कम होता जाएगा ब्लड की सप्लाई क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो नस ब्लॉक मत होने देना कॉरनरी आर्टरी डिजीज और कॉरनरी आर्टरी डिजीज अपने पास यहाँ पर हो गई तो हर्ट को ही तो सप्लाई कर रही थी तो हर्ट को सप्लाई अपने पास दिक्कत आ जाएगी एंजाइना दर्द होता है एकदम से एंजाइना पेक्टोरिस बहुत चेस्ट पेन हम लोग के पास यहाँ पर होता है क्यों ऑक्सीजन अगर प्रॉपर से ना पहुँच पाए ठीक है एल्डरली और मिडल एज के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा ठीक है मैन uh, वुमेन दोनों के अंदर यहाँ पर हो सकता है ब्लड की कंडीशन दैट अफेक्ट द बॉडी सॉरी ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द बॉडी एंजाइना पेक्टोरिस एक पेन एक्यूट चेस्ट पेन हम लोग के पास होता है ऑक्सीजन की कम सप्लाई की वजह से नेक्स्ट है हर्ट फेलियर हर्ट अपने पास क्या कर गया फेल कर गया तो समटाइम्स कंजेस्टिव हर्ट फेलियर होता है समटाइम्स ड्यू टू कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से तो हम लोगों के पास हर्ट फेल कर गया फेल कर गया मतलब हम लोग जब फेल हम फेल कब करते हैं जब हम उतनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते हमें पचास परसेंट नंबर लाने थे लेकिन हम पचास परसेंट नंबर नहीं ला पाए तो हम फेल कर जाते हैं तो ये भी हर्ट की वो स्टेट है जब हर्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा नहीं कर पा रहा है हर्ट फेल कर गया ठीक है तो दिस इज हर्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट हर्ट ने बीट करना ही अरेस्ट हो गया अरेस्ट हो गया तो अब कुछ कर ही नहीं सकता वो जिंदगी में उसने बीट करना ही बंद कर दिया ठीक है हार्ट अटैक अपने पास यहां पर क्या होगा सडनली हार्ट की मसल डैमेज हो गई वो ब्लड सप्लाई स्टॉप वहां पर हो गई थी उसकी वजह से तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट हार्ट फेलियर एंजाइना कॉररी आर्टरी डिजीज हाइपर टेंशन हाइपोटेंशन ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं डन सुनो यार अभी मुझे आप लोगों को एक अपडेट यहां पर देना था ये अपने पास यहां पर हो गया अब हम लोगों के पास एक क्लास अभी आपकी नौ बजे है जो कि स्पेशल क्लास है अन अकेडमी के ऊपर जो हम लोगों का अन अकेडमी का ऐप है अन अकेडमी के ऐप के ऊपर आप लोगों की एक स्पेशल क्लास होगी ठीक है उस स्पेशल क्लास के अंदर अभी हम लोग नेक्स्ट तीन महीने का एक प्लान डिस्कस कर रहे होंगे साथ में थोड़े से चेंजेस हम लोग करेंगे थोड़ी सी क्लासेस उतनी इंट्रैक्टिव यूट्यूब के ऊपर नहीं हो पाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा डिवीजन करेंगे कि कुछ चैप्टर्स हम लोग यूट्यूब के ऊपर किया करेंगे और कुछ चैप्टर्स हम लोग स्पेशल क्लास के ऊपर किया करेंगे ठीक है तो अभी इस क्लास के अंदर नाइन पी क्लास में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे चेंजेस हम लोग करने वाले हैं कई बार मुझे इंटरनेट का बहुत इश्यूज़ होते हैं ठीक है तो वो चीज़ मैं एक बार आपको अभी बता दूंगी कि कौन से चैप्टर्स हम यूट्यूब पर करेंगे कैसे स्पेशल पर करेंगे क्या अपना शेड्यूल रहने वाला है तो अभी नौ बजे एग्जैक्टली नौ बजे अन ऐप डाउनलोड कर लो ठीक है कोड आपसे मांगा जाएगा कोड रक्षता आप लोगों को वहाँ पर डालना है रक्षता कोड जैसे ही आप लोग डालोगे तो क्लास हम लोग की खुल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर आप लोग को उसका लिंक भेज दिया जाएगा उस क्लास को जाकर ज्वाइन कर लेना और मुझे एग्जैक्टली exactly आज नौ बजे किसी भी हालत में मिलना यार ठीक है मुझे चाहिए ही चाहिए ताकि थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस और इंट्रैक्शन बढ़ा सकें तो एक बार मुझे अन अकेडमी ऐप के ऊपर अभी स्पेशल क्लास में मैं एक पोल करवाऊंगी उस पोल में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर हम यूट्यूब पे करें कौन सा चैप्टर हम लोग वो करें तो आप लोग की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आ, बहुत लोगों का मतलब मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि स्पेशल क्लास पर लोग यहाँ पर इंट्रैक्शन नहीं हो पाती आप कमेंट्स का रिप्लाई मतलब कमेंट्स तुम लोग के लेट आते हैं मैं बाद में बात कर रही होती तो उतना कमेंट्स का रिप्लाई यहाँ पर नहीं हो पाता है ठीक है तो वो भी स्पेशल मतलब अब यार कुछ लोग मेरे को पता है कुछ लोग ये रोना स्टार्ट कर देंगे कि यूट्यूब के ऊपर ही पढ़ाओ सब कुछ यूट्यूब पे ही पढ़ाओ आ, मैं पैसे चार्ज नहीं कर रही हूँ मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको प्लस लेना पड़ेगा उसके पढ़ाने के लिए मैंने बस ये बोला है स्पेशल क्लास पे स्पेशल क्लास फ्री होती है ठीक है स्पेशल क्लास फ्री होती हैं तो वो फ्री क्लास पे ही होगा फ्री ही होगा सारा का सारा पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाएगा मैं सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए भी मना नहीं कर रही हूँ मैं जस्ट ये बोल रही हूँ थोड़ा सा इंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हो सकता है यूट्यूब से क्लास शिफ्ट करके हमें कुछ क्लासेस कुछ चैप्टर्स स्पेशल पर करा लें ठीक है तो कुछ चैप्टर्स यूट्यूब पर करा लिया करेंगे कुछ चैप्टर्स स्पेशल पर करा लिया करेंगे ये सिस्टम अपना यहाँ पर रहेगा ठीक है वो मैं आपको अभी नौ बजे बता दूंगी अनकेडमी आप फटाफट से डाउनलोड कर लो वहां पे रक्षिता ढूंढ लो तुम लोग अदरवाइज टेलीग्राम पे देख लो और रक्षता कोड यूज करके आर ए के एस एच आई टी ए यूज करके फटाफट से पहुंच जाओ ठीक है थैंक यू सो मच एवरी वन बाय टेक केयर की वर्किंग की पर्सनिंग जय हिंद और आपको अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज जाते टाइम एक कमेंट एक प्यारा से कमेंट